ओटीटी प्लेटफॉर्म की हिट सीरीज मिर्जापुर के तीसरे सीजन की शूटिंग शुरू हो गई है। अब हाल ही में आई रिपोर्ट्स के अनुसार फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी की प्रोडक्शन कंपनी एक्सेल एंटरटेनमेंट विवादों में घिर गया है। दरअसल प्रोडक्शन कंपनी पर मजदूरों की मजदूरी ना देने का आरोप है। इसकी शिकायत फिल्म स्टूडियो सेटिंग एंड अलाइड मजदूर यूनियन FSSAMU ने की है। एक्सेल एंटरटेनमेंट के ऊपर FSSAMU ने आरोप लगाया है कि कंपनी ने मिर्जापुर सीरीज के प्रोडक्शन डिजाइन टीम में काम करने वाले करीब 300 मजदूर का पैसा नहीं दिया है। यूनियन ने यह दावा किया है कि कंपनी ने मजदूरों के करीब 20 से 25 लाख रुपए में एक रुपए का भी भुगतान नहीं किया है। हालांकि कंपनी ने इन आरोपों से इनकार किया था, लेकिन यूनियन का लेटर बाहर आते ही एक्सेल एंटरटेनमेंट ने अगले 48 घंटे में पैसों की सेटलमेंट की बात की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी ने मजदूरों को किसी प्रकार का कोई भुगतान नहीं किया है। FSSAMU ने एक्सेल एंटरटेनमेंट पर मजदूरी न देने का आरोप लगाते हुए मीडिया को एक लेटर जारी किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कथित रूप में भेजे गए लेटर में कहा गया है कि कंपनी में मजदूरों को कई घंटे काम कराया गया था। यह श्रम कानून के तहत तय सीमा समय से अधिक है और इसका कोई अधिक भुगतान की बात भी नहीं हुई थी। पत्र में यह भी आरोप लगाया गया कि मजदूरों को अच्छा खाना और बैठने तक की व्यवस्था नहीं दी गई थी। FSSAMU के महासचिव ने मीडिया में यह भी दावा किया कि वे इस मामले में प्रोडक्शन कंपनी एक्सेल एंटरटेनमेंट को 3 पत्र लिख चुकी है। सेट पर काम कर रहे मजदूरों को तकरीबन 3 महीने से मेहनत ताना नहीं मिला है। दोस्तों, मेरा तो ये मानना है कि मजदूरों को सबसे पहले पैसे दे देने चाहिए, क्योंकि उनका घर रोज की मजदूरी से ही चलता है। क्या आप भी यही सोचते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।